और दुलदुल अपने आपे में नहीं है, क्या हुआ है मुख्तार? पता नहीं उमरा, आज हैवान खा मखा बेताब हो रहा है। अब उमरा मुख्तार की दास्तान नहीं रही? क्या मतलब? मुझे लगता है तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो मुख्तार। अगर मैंने भी ऐसा ही किया तो फिर गिला मत करना। तुम तो शक नहीं करती थी उमरा, ये कैसी बेतुकी सोच है? बेतुकी सोच है? जब तुम नहीं होते तो मैं दुलदुल की हालत देखकर मुख्तार की हालत का पता लगाती थी। जब कभी तुम्हारे साथ कोई हादसा रुनुमा हुआ है या तुम्हारे दिल में कोई परेशानी रही है, यह हैवान हर उस मौके पर बेकरार हुआ है। गोया दुलदुल की रूह की गिरा मुख्तार की रूह के साथ बांध दी गई है। कैसी बातें कर रही हो उमरा, ये जानवर आज किसी तकलीफ में है, है कि उसके पास जबान नहीं के बता सके। तुम तो जबान रखते हो ना, तुम ही मुझे कुछ बता दो। बस भी करो उमरा, ऐसा न करना कि मैं जाहिलियत के अरबों की तरह ये यकीन कर लूं कि औरतों से अक्ल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाएं। तो बिला आखिर मुख्तार ने नकाब हटाकर ये दिखाई दिया कि वो जाहिल अरबों में से है। क्या ही अच्छा होगा कि हुर्रा को जिंदा दफना दो, ताकि साबित कर सको कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। या पूरी जिंदगी जहाद करने के बाद तुम्हें यहाँ पहुँचना था मुख्तार? उमरा, मेरे पांव की जंजीर मत बनो। बहुत खूब, तो फिर तुम उम्रा से साथ देने की तवक्को मत रखना। धमकी दे रही हो मुझे? उम्रा और धमकी? जिस वक्त मेरा बाप कूफे का अमीर था और मेरी धमकी का असर हो सकता था, उस वक्त तुम्हें धमकी ना दी। अब जबकि मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरा बाप इख्तदार गंवा चुका है, अब मेरी धमकी क्यों कर किसी मुख्तार जैसे ताकतवर शख्स को डरा सकती है? तुम्हारी हालत शायद ठीक नहीं है। अच्छा, शाबाश, अच्छा है, समझ आ गया। झूठ, आपने हवास भी खो बैठा है। तुमने जरबी को नजर मारने भेजा था, याद नहीं? ये मुझे दे दो, तुम बौखला गई हो। तुम पहले वाले मुख्तार नहीं रहे। जब से लफका से आए हो मुसलसल परेशान और बेचैन हो। मेरा बेहाल दिल रजामंदी का इजहार नहीं करता था। आज जबकि दिल पे पत्थर रख के पूछ लिया मैंने तो समझ में आया, ओ क्या कयामत है। हमारे दरमियान इस कदर फासला था और मैं ना समझ सकी। मुझे अपनी हालत पे तरस आ रहा है मुख्तार, मैं इस तहकीर की मुस्तहिक नहीं थी। तुम गलत समझ रही हो पगली, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना बाद में कभी छुपाऊंगा। इन चंद दिनों की घबराहट और परेशानी भी सिर्फ डर की वजह से थी। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उमरा मुख्तार के डर के हवाले से कुछ सुने। किस चीज से डर रहे हो? मक्का की खबरों से। अगर मोहम्मद हनफिया ने मेरी तायद न की तो मेरे साथी मुझे तनहा छोड़ देंगे। तुम्हारी तायद क्यों नहीं करेंगे जबकि उन्होंने तुम्हें हुक्म लिख दिया है? मुझे उस वक्त हुक्म दिया था जब जंग ऐनुल वर्दा नहीं हुई थी। मुझे डर है कि मोहम्मद हनफिया ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से गमजदा और दागदार होंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि मैं सुलेमान के साथ नहीं था तो मेरे सर से अपनी हिमायत न उठा लें। बस यही? हाँ यही। उम्रा की जान की कसम,
जाने उम्रा की कसम, मेरे ख्याल से हुर्रा के रोने की आवाज है। मैं जाऊं इससे पहले कि वो कुछ छोड़ दे। मैं खुश नसीब हूं आपकी दीदार से। या अल्लाह फरमाइए। हम आपको एक छोटी सी तकलीफ देने के लिए हाजिर हुए हैं। कौन सा हुक्म बंदा है खुदा? मुख्तार सकफी को तो आप जानते ही होंगे हजरत। हाँ, मुख्तार हमारे शियों में से है, बाबा अली के चाहने वालों में से है। कैसा है वो? आपकी दुआएं हैं। उनका दावा है कि वो आपकी तरफ से कूफे में कयाम के लिए मामूर किए गए हैं। अगर उनका ये दावा दुरुस्त हुआ तो इराक के शिया उनकी बैत कर लेंगे और कयाम कर लेंगे। क्या आपने उनको कोई हुक्म दिया है? क्या मुख्तार आपका अमीर और वजीर है? ये कैसे सवाल थे? क्या सुलेमान इब्ने सुरदे खुजाई, खुदा उसे खरीके रहमत करे, जब उसने कयाम किया उस वक्त कोई हुक्म था उसके पास? मेरे मजलूम भाई के कातिलों से जंग एक वाजिब अमल है। ऐसा अमल जो मुझसे और मेरे भतीजे इमाम सज्जाद से साकित हो चुकी है। तो फिर अगर मेरा दिमाग ठीक समझ रहा है तो मुख्तार का हुक्म जाली है और वो झूठा है। उसके पास आपके मोहर और दस्तखत के साथ ये हुक्मनामा है जिसमें आपने उसे कयाम के मामलात में अपना अमीर और वजीर बनाया है। अगर आपने उसे कोई हुक्मनामा नहीं दिया है तो यकीनन उसने आपके मोहर और दस्तखत को खुद बनाया है। खुदाया तो गफूर रहीम है, तो छुपे हुए राजों को जानता है। तू वो घर जिसमें तेरी रजा हो। इलाही आमीन। मुख्तार ने मेरे नाम और मोहर के साथ आप लोगों को किस बात की दावत दी है? कयाम की, इंतकाम की दावत, आपके शहीद भाई के कातिलों से किसास के लिए, हुसैन के। उसकी मदद कीजिए ताकि खुदा आप लोगों की मदद करे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अज इराक ता मदीना, अज मदीना ता मक्का, मुझे मुख्तार के दावे पर शक शुबा था, हमें अबू इसहाक के झूठ का खौफ था। अब जबकि आपकी राय ऐसी है तो इराक के तमाम शिया मुख्तार के शाना बशाना क्याम करेंगे और उन बंदरों को जो मिंबरे रसूलुल्लाह पर बैठे हुए हैं उन्हें नीचे घसीट देंगे और अहले बैत रसूल के खून नाक का बदला लेकर रहेंगे। आहिस्ता बात कीजिए मुसलमान, ये मक्का है, हम जुबैरियों के हिसार में हैं। खुदा इन जुल्म के बानियों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन।
आखिर मोहम्मद हनफिया ने खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं फरमाया कि उन्होंने मुख्तार को हुक्म दिया है या नहीं? तकिया, तकिया, आज आले अली पहले से ज्यादा मजलूम है। ये खानदान बुरी तरह से बंदरों के हिसार में असीर हो गया है। ये बंदरों और मिंबरे रसूल अल्लाह की क्या ही कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि एक दिन वो आएगा कि उनके मिंबर पर बंदर सवार हो जाएंगे। खुदा की कसम उनके ख्वाब की ताबीर आज से मुताल्लिक है। खुदा ने चाहा तो ये हिसार बहुत जल्द अबू इसहाक के हाथों और हमारी मदद से टूट कर रहेगा। नियत कीजिए तवाफ की भाइयों, और माफी मांगिए उस शक के बारे में जो हमें मुख्तार के हवाले से लाख था। मुख्तार झूठ से मुबर्रा है भाइयों। फिर अमीर कूफा बदला नहीं कि मुख्तार गढ़े में गिर गया। क्यों आए हो? अमीर कूफा की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं। सुन रहा। तुम्हारे बारे में खबरें इस तरह अमीर को दी हैं कि उन्हें लगता है कि तुमने लश्कर शाम अपने घर में जमा कर लिया है। मेरा लश्कर दिखने वाला नहीं है जायदा। मैंने अपने फौजियों को सिखाया है कि बवक्त जरूरत नजर आया करें। तुम्हारे अमीर का पैगाम क्या है? हाँ, पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अमीर फरमाते हैं कि क्या दोस्ती का हक अदा करना नहीं चाहते कि हमसे मिलने आ जाओ। अगरचे हमारी दोस्ती का रिश्ता मक्के में खत्म हो गया था, मगर बिन मुती कूफा में मेहमान हैं और हम मेजबान। दोस्ती का तकाजा यह है कि मैं आऊं। हुलू, कहां हो हुलू? मेरे घोड़े को तैयार करो। فَإِذِيَمْ خُرُوبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبُتُوكَ اُوْيَقْفُوكَ اُوْيُقْفَجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ मुझे निराशा हो गया। क्या हुआ मुख्तार? कुछ नहीं, बस कुछ मुझे झटके आने लगते हैं। मुझे जी, क्या हुआ मेरे आका सैयदी? मेरे बाबा, मेरे बाबा, मुझे ये अच्छा दादा, तुम बेफिक्र रहो, मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाए तो तुम्हारे अमीर के दीदार को आऊंगा। आयत पढ़ के उसे अच्छा समझाया। क्या मतलब है? अगर तुम आयत नहीं पढ़ते तो वो जरूर आता। तुम अंधे थे जो उसका कापना नहीं देखा? देखा नहीं कि ऐसी हालत में था वो? क्यों नहीं, मुख्तार का तो सिर्फ जनाजा नजर आ रहा था। डरो मत जायदा, मैं भी मुख्तार की तरफ मायल हूँ। मुतमईन रहो, मैं अमीर से कुछ नहीं कहूंगा। तुम तरफदार मुख्तार हो? जीत मुख्तार की ही है जायदा। कैसे? अब तक जितने भी हाकिम कूफे में आए हैं, मुख्तार उन सबसे ज्यादा होशियार है।
सब ने उससे दुश्मनी रवा रखी और सब उसे मारना चाहते थे, मगर कोई कामयाब ना हुआ। मुझे यकीन है कि मुख्तार अनकरीब कूफे पर हुक्मरानी करेगा। इस तरह तो वाकई, जब मुख्तार के पास तुम लोगों की तरह ना दिखने वाला लश्कर हो तो यकीनन जीत उसी की है। तुम भी उस ना दिखने वाले लश्कर की फौजी हो ज़ायदा। अचानक मैंने देखा कि उसे राशा हो गया, उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो गया। वो जिंदान में भी अक्सर इस हालत से दो चार हो जाता था। बज़ाहिर कोई भयानक सी बीमारी हो गई है उसे, अब वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहा। मुख्तार का काम तमाम हो गया है अमीर। मुख्तार को कोई बीमारी नहीं है ज़ायदा। जो कपकपी गैब से उस पर आरिज हो गई थी वो एक चाल थी। वो तुम्हें धोखा देना चाहता था जो दे चुका। जब उसका ये दावा है कि उसके ना दिखने वाले फौजी हैं तो भला उसे हीले की क्या जरूरत है अमीर। शक नहीं कि मुख्तार एक दलेर आदमी है, मगर उसकी बीमारी हीला नहीं था। क्या हीले से ऐसा काम किया जा सकता है कि चेहरे का रंग उड़ जाए? राशा तो शायद हीला है ये बात मानने की है, मगर रंग उड़ जाने का क्या करें। बहुत खूब। जब ज़ायदा कह रहा है कि मुख्तार बीमार था तो वो यकीनन बीमार था। छा सकते हैं आप लोग। बज़ाहिर हमारी मुख्तार से दोस्ती की तलवार कुंद हो गई है, काटती ही नहीं। आप मुख्तार का क्या करना चाहते हैं अमीर? मुख्तार मुज़ाकरात का अहल है अयाज। अगर ये बिन यजीद मालून उसे नहीं छेड़ता तो उससे एक अच्छा मामला तय किया जा सकता था। मुख्तार का जाओ हश्म बहुत बढ़ गया है अमीर। वो कूफे में अपने आप को शियों का पेशवा समझता है। उसका वाहिद रकीब सुलेमान था जो कि मारा गया। जहां तक मुझे खबर मिली है तमाम शिया कबीले उसके साथ मुत्तहिद हैं और उसी ताकत में इजाफा हो गया है। काश उसके लिए कोई रकीब तैयार किया जा सकता। तुम्हें यकीन है कि तमाम शिया कबाइल मुख्तार के साथ मुत्तहिद हो गए हैं? जी अमीर, सिवाय एक आध कबीलों के सब मुख्तार की हिमायत करते हैं। वो एक आध कौन से कबाइल हैं? एक कबीला नखई है और दूसरा कबीला है अब्दुल रहमान शबानी। कबीला नखई का सरदार कौन है? इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर। तुम्हारे मुंतजर हैं। मुझसे नहीं होता अब्बास, मैं जमीन में धंसा हुआ हूं, गिरफ्तार होकर रह गया। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफले को ना पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। उठो इब्राहिम।
इब्राहिम, हम नखई कबीले के जवान हैं, कोई दुश्मन नहीं। तुम हमारे सरदार हो, हम आपसे हुक्म लेने आए हैं। अपने बूढ़ों से पूछो, उन्हें पता है क्या करना चाहिए। हमारे बड़े चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी करें और भेड़े चराएं। ये तो बहुत अच्छा है, वैसे भी जमीन और रेवड़ में बरकत होती है। कूफे के तमाम शिया मैदान में उतर आए। क्या यह रवा है कि कबीला नखई के नामी ग्रामी जवान खेती बाड़ी और रेवड़ में मसरूफ रहे? तुम लोगों के पेट भर चुके, जब भी जोश मार रहे हो। मेरा किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, अपने इमाम मजलूम हुसैन के कातिलों से भी नहीं। बात सुनो नासिबी, मैंने इससे पहले भी तुम लोगों के बुजुर्गों से इत्माम हुज्जत की है। मेरे इमाम शहीद हुसैन के वारिस हजरत सज्जाद हैं। जब तक उन्होंने जिहाद का हुक्म नहीं दिया, नखई कबीले की तलवार म्यान में रहेगी। अगर मुझसे मुतालिक कोई हंगामा आराई करना चाहेगा तो मैं उससे रिश्ता नाता तोड़ दूंगा। जाओ और इससे ज्यादा मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। जाओ। काश मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम का काम दे सकती। तुम अपने साथ क्या कर रहे हो इब्राहिम? मेरे पांव जमीन पे कट चुके, मैं सरकर्दा हो गया। अपने आप को उस बूढ़े की तरह समझ रहा हूं जिसके जिसके पांव कब्र में लटके हुए हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। मालिक अश्तर के बेटे की तलवार को जंग लग गया है। अली का मुरीद और आशिक उस शहर में कैसे जी सकता है जिसने उसके मौला के सर पे जर्फ लगाई हो और उनके बेटे का सर नेजे पर चढ़ा के उसके गली कूचों में फिराया गया हो। कितनी जहरीली फिजा है कूफे। बुखार से तप रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। राहिला, इसे बुखार है। उठो, मुझे तुम्हारे पैर धुलाने होंगे। उठो। से मेरा बदन तो ठंडा हो जाएगा, मगर मेरी जान की आग का क्या करोगी? तुम्हारी जान की आग को भी महार कर दूंगी। मैं हाथ पर हाथ रखकर ये नहीं देख सकती कि मेरा शौहर किसी शम्मा की तरह पिघलकर पानी हो जाए। अली के खुदा की कसम, अगर तुम नहीं माने तो मैं खुद बारे सफर बांध लूंगी ताकि मदीना जाकर मौला सज्जाद से हुक्म ले सकूं। हौसला रखो, करीब जख्मों की दवा मिलने वाली है। ज़ायदा इब्ने कुद्दामा है, कूफे के नए हाकिम की तरफ से कोई पैगाम लाया है। मेहमान हबीबे खुदा होता है, आने दो। अमीर कूफा आपको कूफे में शियों का पेशवा समझते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात को चलाने में आपसे मशवरा करें। वो शियों के मुतालबे को बरहक समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपकी मदद से कातलाने हुसैन का बदला लें। वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए ताकि इस अहम काम में उनकी मदद करें।
तुम मुख्तार की चचाजात भाई हो? जी हाँ। मैंने सुना है तमाम शिया कबाइल के सरदारों ने मरहूम सुलेमान के बाद मुख्तार की तरफ रुजू किया है। तुम उसके चचाजात भाई हो, अपने अमीर के हुजूर उसकी पेशवाई का दिफा क्यों नहीं करते? सियासत ने मुझे यह सिखाया है कि अपनी दस्तार का दिफा करूं जनाबे वाला। मैं एक शर्त पे आप लोगों के कयाम में साथ देने के लिए तैयार हूं। कैसी शर्त इब्राहिम? कयाम की सरदारी मेरे हाथ में दे दीजिए। तुम्हारी महारत, शख्सियत और शुजात हमसे पोशीदा नहीं है। तुम मालिक अश्तर के बेटे हो जो मौला अली का बाजू था, मगर शिया कबाइल के सरदारों ने मुख्तार के हाथों बेयत कर ली है और कियाम की सरदारी उससे सौंप दी गई है। मुख्तार हजरत मोहम्मद हनफिया का वजीर और अमानतदार है। उन्होंने उसे कयाम पर मामूर फरमाया है और हुक्म दिया है कि सब मुख्तार की बेयत करें। मेरी मौला इमाम सज्जाद और मोहम्मद हनफिया से खतो किताब चलती रहती है। उन्होंने मुख्तार के बारे में मुझे कुछ नहीं लिखा। मुख्तार, मुख्तार, मुख्तार। अरे दादी, तुम बूढ़े हो चुके हो, हार गए भाई। मुख्तार, मेरे भाई मुख्तार। कुछ हो गया क्या जरबीर? आ गए वो लोग, आ गए वो लोग सरकार। कौन लोग आ गए? आ गए, इनका आपको इंतजार था। मैं क्यान के सिवा किसी का मुंतजर नहीं था। क्यान भी उन लोगों के साथ है। तुम ये आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हो जरबीर? सही सही बताओ क्या हुआ है। थोड़ी सांस ले लूं सरकार, भाग के हलाक हो गया हूं मैं। घोड़ी की जगह इस्तबल है। मुझे माफ कर दो, बेखबर गया था और बेखबर लौटा हूं। यह सफर मारफत का सफर था अबू इसहाक। मैंने तवाफ काबा के दौरान खुदा से दुआ मांगी कि मुझे हिम्मत दे कि मुख्तार का सामना कर सकूं। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा हाथ चूमूंगा। अरे अरे, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? क्या कर रहे हो हाजी साहब? हमने तुम्हारे बारे में बदगुमानी से काम लिया था अबू इसहाक। सैयदो सरदारो सरकार ने हमारी हिदायत फरमाई। न मुख्तार झूठा था और न वो हुक्म जाली। सैयद हैदर कर्रार के फर्जंद अर्जुमंद हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो हाथ जिसने उस हुक्म पर दस्तखत किए और वो हाथ जिसने उसकी ताहिद की वो मौला अली के हाथ और जबान थे, तो यकीन करोगे? अगर मुख्तार ये कहे कि नमाज जोहर अंधेरी रात में होगी तो मैं यकीन कर लूंगा। तुम गुशा नशीन हो जाओगे तो तुम्हारे रकीब मैदान ले जाएंगे। जब इब्राहिम अश्तर मैदान खाली छोड़ देगा तो जाहिर है मुख्तार सकफी मैदान का मुजाहिद बन जाएगा। तुम कहां, मुख्तार कहां? तुम उस कबीले के सरदार हो
जो तुम्हारे बाप के हवाले से इराक का शहंशाह है। हैफ है कि ये सरदारी सकफी कबीले को मिल जाए। मुख्तार इराक की बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। अगर वो खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता तो बैत सुलेमान कर लेता और ऐनुल वर्दा के मक्तल में उसको अकेला ना छोड़ता। अबकुत, आया तुम अमीर कूफा का पैगाम देने आए हो या मजम्मत मुख्तार करने आए हो? अमीर कूफा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुमसे बात करें। उनके बुलावे पर भरोसा क्यों नहीं करते इब्राहिम? रुको, मैं तैयार होकर आता हूं। क्या तुम वाकई अमीर कूफा के दीदार को जा रहे हो? तुम्हारी नजर में इसमें कोई ऐब है? ऐब से खाली भी नहीं है। तुम मुख्तार पर शक करते हो क्योंकि उसने मक्के में जुबैरी खलीफा की बैत की है। अब तुमसे वही खता सरजद होने वाली है जो मुख्तार ने की थी। मैं जानता हूँ राहिला, महाल है कि आले जुबैर जंगे जमल का वाकया भूल जाएं और आले अली से दुश्मनी खत्म कर दें। मैं बैत करने नहीं जा रहा, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं। इब्राहिम, मुख्तार सकफी आया है अपने आवान व अंसार के साथ। खुदावंद रहमान और रहीम के नाम से, मोहम्मद महदी की तरफ से इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर नगई की जानिब खुदा का दुरूद हो आप पर। अम्मा बात, मैं मुख्तार को जो मेरा वजीर और अमीन है आपकी तरफ भेज रहा हूँ और उसे हुक्म दिया है कि मेरे दुश्मनों से जंग करे और मेरे ख़ानदान के इंतकाम के लिए क़याम करे। तुम और तुम्हारा कबीला और मानने वाले उसका साथ दो और क़याम करो। अगर मेरे बुलावे को कबूल करते हो और मेरे वजीर का साथ देते हो तो तुम्हें मेरी नज़र में ख़ास फजीलत मिलेगी और सिपाहियों के अमीर तुम होगे, और जो इलाका कूफा से शाम के इलाकों तक तुम फतह करोगे वो तुम्हारी ज़ेर निगरानी रहेगा। मैं इस वादे की जमानत कसम और अहद से देता हूँ। अगर मेरे हुक्म पर सर झुका लोगे तो खुदा के नज़दीक क़ुर्ब पाओगे, और अगर मेरी बात को रद्द कर दोगे तो ऐसी सख्ती से दोचार हो जाओगे कि हरगिज़ उससे रिहा ना हो पाओगे। ये खत सैयद ने खुद आपको दिया है? नहीं, मैंने उन्हें खत लिखा और गुजारिश की कि तुम्हारे लिए खत लिखें, और सैयद ने यह खत लिखा है। मगर मेरी तो सैयद से खतो किताबत चलती रहती। ये खत उनके दूसरे खतूत की तरह नहीं है। कैसे? सैयद हमेशा अपने खतूत में मोहम्मद इब्ने अली लिखा करते थे, मोहम्मद महदी नहीं। ये महदी का लकब कहां से आया है? ये मेरे और सैयद के दरमियान एक राज है। हमारे दरमियान ये तय है कि जो खतूत वो मुझे या मेरी फरमाइश पर लिखेंगे उनमें ये नाम लिखें, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि खत उन्हीं की तरफ से है। तो फिर इजाजत दीजिए कि मैं जाती तौर पर सैयद को एक खत लिखूं और उनसे हुक्म ले लूं। जैसी आपकी मर्जी। तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा कि आप खत और किताबत करें और हुक्म पाएं। हम इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों खोल कर क़याम करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से खबर है कि दुश्मन हमारे छुपे हुए रास्ते से बाखबर हो गया है। बिन मुती एक नहायत चालाक सियासतदान है। वो शियों के साथ कुशादा रोई से पेश आने और हमारी ख्वाहिशात पर खामोशी दिखाकर चाहता है कि वो हमारे साथियों की सफों में दीमक की तरह घुसकर हमारे अरमानों को खा जाए।
अगर हम मौके को हाथ से जाने दें तो उसी मुसीबत से दो चार हो जाएंगे जो हजरत मुस्लिम के दौर में पेश आई थी। इब्राहिम, बखुदा कसम हमें भी मुख्तार के दावे और उसके हुक्म नामे पर शक था। हम मक्के और मदीने तक गए और मौला सज्जाद और उनके चचा जान से बजाते खुद बात की मुख्तार को उनकी ताईद हासिल है। मैंने हुज्जत तमाम कर दी। अच्छा है कि खुदा मुझे शक करने वालों और बदगुमान लोगों से बेनियाज फरमाए। रुक जाओ अबू इसहाक, हाथ बढ़ाओ अबू इसहाक। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। खुदा खुश रखे। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। खुदा खुश रखे। मुबारक हो, आपको भी मुबारक। अमीर, एक खतरनाक खबर लाया हूँ। हाँ, मुख्तार ने कयाम कर लिया। नहीं अमीर, इब्राहिम अख्तर ने मुख्तार की डेथ कर ली। खूब, जब अख्तर के बेटे ने मुख्तार की बैत कर ली तो फिर समझो मुख्तार ने कयाम कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा तो ये दावा था कि अख्तर का बेटा मगरूर है, बद अखलाक है, अपने बाप अख्तर के हवाले से अपने आप को ज्यादा हकदार समझता है, मुख्तार की बात नहीं मानेगा। तो फिर ये क्या हुआ यास? क्या तुम्हारा मानना गलत था? मैंने जो कुछ भी सुनाया वो अबा खुद से सुना था। अबा खुद भी तुम्हारी तरह है। अबा खुद, इतने सालों से इब्राहिम मस्तर के साथ दोस्ती के बावजूद उसे पहचान ना सके। मुख्तार ने उस नौजवान को धोखा दिया है अमीर। कैसे? बज़ाहिर उसने अली के बेटे का खत इब्राहिम को दिया है जिसमें कहा गया है कि मुख्तार की बैत कर लो। मैंने खुद इब्राहिम से सुना था कि उसने मुख्तार की बैत को रद्द कर दिया था। तुम इब्राहिम से कितनी दोस्ती रखते हो अबा खुद? कितनी का क्या जवाब दूं? मेरा सालों से इब्राहिम के साथ उठना बैठना है, दोस्ती है। मतलब तुम्हारी बात को अहमियत देता है? बाज़ औक़ात कूफे के हालात के बारे में मेरी राय पूछता है। आखिरी बार मुख्तार के बारे में पूछा था। मैंने भी बड़ी बेरहमी के साथ मुख्तार की तमाम इज्जत और आबरू उसके सामने खराब कर दी। मैंने कहा मुख्तार का मकसद अमीरी है, खूने हुसैन तो बस एक बहाना है। बहुत खूब अबा खुद, क्या हाल है? आपकी दुआएं हैं इब्राहिम। लकड़ी छू के कहता हूं आज बहुत पुरसकून लग रहे हो। खुदा का शुक्र है। जब मैं देखता था कि अख्तर का शेर बेटा मैदान में नहीं आता था तो मुझे गुस्सा आता था। कूफे पर सरदारी करने के हकदार सिर्फ तुम हो। कूफा के दारुल इमारा और अमीर की क्या खबरें? कूफे का महल आज एक मुसाफिर खाने की तरह हो गया इब्राहिम। जो भी आता है वो जानता है कि एक रात का मेहमान है। कूफे को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इसकी मिट्टी की बू को पहचानता हो, गाय के दूध से उसके सींग निकले हों और दरियाए फुरात का तैराक हो। खुदा की कसम कूफे और कूफियों से तुम ही निपट सकते हो इब्राहिम। काश तुम मुख्तार की बात ना करते इब्राहिम। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम एक जाली खत के आगे कैसे तस्लीम हो गए। वो खत जाली हो या ना हो मेरे लिए एक ही बात है वक्त, मैं खत के आगे तस्लीम हो गया ताकि शैतान को मغلوب कर सकूं। कौन सा शैतान इब्राहिम?
مختار ایک جعلی خط کے ذریعے تمہارے قبیلے اور تمہارے اقتدار کو درہم برہم کرنا چاہتا تھا. تم نے علی کے بیٹے کے حضور سے حکم کیوں نہیں لے لیا؟ رہنے دو اباقت. مختار کے لیے رقیب تلاش کرنا اچھی سوچ ہے، مگر اپنے امیر سے کہو کہ اشتر کے بیٹے پر پینترے نہیں چلنے والے. بسم اللہ. مجھے پتا ہوتا کہ مختار ایسا حکیم ہے کہ جس کے موصلے والے دم درست سے شفا ملتی ہے، تو میں بہت پہلے یہ کام کرتی کہ انہیں اپنے مریض لادوا کے پاس لے آتی. ابو اسحاق بالکل برحق ہے راحلہ، مجھے پہلے اس پر شک تھا، مگر جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے یقین آ گیا. خاص طور پر اس کی ابرو پر لگے زخم نے مجھے اپنے بابا کی یاد دلا دی. اس جنگی لباس میں اور اس مسکراتے ہوئے چہرے میں تھوڑا سا اس مرد کی مانند ہو گئے ہو جس کے قصے میری ماں مجھے سناتی تھی. مجھے ہمیشہ تمہاری ماں کی کہانیوں کے مردوں سے حسد تھا راحلہ. مردوں نہیں ابراہیم، میری ماں کی کہانیوں میں ایک ہی مرد تھا جس کا نام مالک اشتر تھا، آنکھ کے زخم کے ساتھ. تم کہو تو میں بھی اپنی آنکھ پر زخم لگا لیتا ہوں. چاہے کوئی بھی ہو ابراہیم، تم اپنی مثال آپ ہو ابراہیم. چاہے کوئی بھی ہو، مالک کی شبی نہیں بن سکتا. جب میں نے سنا کہ میں ان کی بہو بننے والی ہوں تو کچھ خواب سا لگ رہا تھا، کچھ خواب کے جیسا. تمہیں دیکھ کر بہت حیران ہو گئی تھی. تم میں اس مرد کی ذرہ برابر بھی شباہت نہیں تھی جس کے قصے اشعار میں میری ماں مجھے سناتی تھی. ان اشعار والا مالک ایک مسکراتا ہوا شخص تھا، جبکہ اس کے دل میں ایک بڑا غم چھپا ہوا تھا. مالک ایک بڑا انسان تھا راحلہ. عشق علی نے مالک کو مالک بنا دیا. اس شخص نے مسکراتے رہنا مولا علی سے سیکھا تھا، یہاں تک کہ جب رکاب میں ان کے پاؤں لرز رہے تھے اور ان کا جگر پسر آس کے زہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تب بھی مسکراہٹ سے ذکر علی کر رہے تھے. کوشش کروں گا آج کے بعد گندم کے دانے جتنا ہی صحیح مالک جیسا بنوں. پہن لیا بھائی جان، کہاں کا ارادہ ہے؟ لفقہ، ابو اسحاق کے پاس جا رہا ہوں. ایسے اکیلے؟ رکو، میں بھی ابا اور دستار پہن کر آتا ہوں. نہیں میرے بھائی، میں اکیلے ہی جاؤں گا.
وعدہ کیا تھا کہ قیام کے سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، تو تم بھی عبایا پہن کر تیاری کر لو عمرا. قیام کی جیت تک تمہیں مجبوراً یہاں سے جانا ہوگا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں پر رہیں؟ قیام کا اعلان ہونے کے بعد لفقہ پورم جگہ نہ ہوگی. بہتر یہ رہے گا کہ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہیں. خدایا مجھے ہمت دے کے میں ناریہ کے ساتھ رہ سکوں. چلے امیر مختار. ایک شرط پر سردار. میں نے شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی. امیر حکم دیں گے تو میں اطاعت کروں گا. کہاں سے شروع کریں؟ گھوڑوں کی مرضی، منزل اور راستہ چن لیں گے. میرا گھوڑا تو صرف کربلا ہی جانتا ہے. اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سیدھا نہر القمیت پہنچ جائے. دلدل راستہ نہیں جانتا، مگر مختار کو معراج پر لے کر جائے گا. یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمیت تک پہنچایا. تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری. صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے. ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے. عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے. وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا. وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے. ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے. عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا. ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا. بابا مسکرائے. عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا. میرے بابا پھر مسکرائے. عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں. میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو. تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں. عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا. نقل ہے کہ جب عباس القمیت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا. ایک رات عباس پسینے میں نہایا ہوا نیند سے گھبرا کے اٹھا،
बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा, कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा, क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया इब्राहिम, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं, तुम्हारे हाथ मुझे सीर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ प्रवास करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया। खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करो। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अश्तर नहीं मरेगा, उसका नाम कयामे कयामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है, हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की चौदहवीं को जंग के नकारे बजा देंगे, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की चौदहवीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम, अब्बास इब्ने अली की नियत से और उस वाके की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है। चौदहवीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें, और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है। जो हुक्म सर आंखों पर, अमीर मुख्तार।